नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। खबरें फटाफट में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। चंडीगढ़ मनाली एनएच धनोटू गैस एजेंसी के समीप आधी रात को जीप और बुलेट की जोरदार टक्कर, हादसे में बुलेट सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत। जिला शिमला के सराह में दूसरे वाहन को पास देते समय लुढ़ककर नाले में जा गिरी जेसीबी। गाड़ी में सवार तीन युवकों में से एक की जेसीबी के नीचे दबने से मौत, दो अन्य घायल। जिला शिमला से कुमार सेन ने 50 मीटर गहरी खाई में लुढ़की कार, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, दो घायल। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी जिला के 7 मील के पास पहाड़ी से गिरा मलबा, नेशनल हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह बंद, दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी लंबी कतारें। धर्मशाला में बारिश के बाद साथ लगती पर्यटक नगरी मैक्लोडगंज में आवाजाही पूरी तरह बंद, आर्मी एरिया में पोस्ट ऑफिस के पास पेड़ गिरने के कारण थमी वाहनों की आवाजाही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को पहुंचे बिलासपुर, हिमाचल के अस्तित्व के 75वें वर्ष के अवसर पर घुमारवी और झंडूता में आयोजित कार्यक्रमों में की शिरकत, हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने किया सीएम का भव्य स्वागत। नेरवा थाना साल की लगातार दूसरी तिमाही में सीसीटीएनएस यानी अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में फिर अव्वल। साल की दूसरी तिमाही में नेरवा थाना को सीसीटीएनएस रैंकिंग में मिला दूसरा स्थान। बिलासपुर में बोले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं पूर्व विधायक बंवर ठाकुर, केंद्र सरकार की मनमानी नहीं करेंगे सहन, बोले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रही सरकार। महंगाई बेरोजगारी अग्निपथ योजना संघ जीएसटी दरें बढ़ाने पर केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इंदौरा का धरना प्रदर्शन, एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। ब्लॉक कांग्रेस धर्मशाला ने महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ मोदी सरकार के खिलाफ लगाए नारे, धर्मशाला में रैली के माध्यम से किया विरोध प्रदर्शन। सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर ब्लॉक कांग्रेस जवाली ने किया प्रदर्शन, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। ऊना सदर के विधायक सतपाल रायजादा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ महंगाई के खिलाफ महतपुर बसदेहड़ा प्रवेश द्वार से लेकर बसदेहड़ा चौक तक निकाली रोष रैली, महंगाई का फूंका पुतला। हिमोत्कर्ष महिला मंच व संयुक्ता चौधरी हिमोत्कर्ष महिला बहुतकनीकी संस्थान ऊना के सौजन्य से रंगोली, मेहंदी, पकवान व मिस्तीज प्रतियोगिताएं, छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर मोहे मन। भारत सरकार की हर घर तिरंगा योजना को लेकर बोंडा सराहन में आईटीबीपी की 19वीं बटालियन के जवानों ने निकाली विशाल जागरूकता रैली, लोगों को घर में तिरंगा फहराने के लिए किया प्रेरित। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ में एक पेड़ मेरे कॉलेज के नाम प्लांटेशन कैंपेन के तहत कॉलेज परिसर में पौधारोपण, छात्रों ने कॉलेज परिसर में रोपे औषधीय पौधे। एचआरटीसी पेंशनर्स पर शिमला में हुई एफआईआर के विरोध में 8 अगस्त को मंडी में विरोध रैली निकालेगा एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन, एफआईआर रद्द करने की उठाई जाएगी मांग। हमीरपुर शहर के बीचों बीच गांधी चौक से कुछ दूर सड़क पर दोपहर तक लगा रहा कूड़े का ढेर, कचरे की बदबू के कारण राहगीरों को झेलनी पड़ी परेशानी। नगर परिषद परवाणु की बैठक में शहर के सीवरेज सिस्टम को लेकर चर्चा, नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी अनुभव शर्मा बोले घरों में जल शक्ति विभाग देगा सीवरेज कनेक्शन। बॉय स्कूल हमीरपुर के खेल मैदान के पास सब्जी की दुकान में गुरुवार रात को लगी आग, दुकान में रखा हुआ लकड़ी का सारा सामान राख, दुकान मालिक को लगभग 10,000 की चपत। खबरें फटाफट में आज के लिए बस इतना ही, शाम 6 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।